कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो पदयात्रा निकाल रहे हैं। राहुल गांधी की ये पदयात्रा इस वक्त देश के दक्षिणी भाग में चल रही है। अपनी पदयात्रा के दौरान राहुल गांधी का लुक भी बदला सा नजर आ रहा है। राहुल गांधी ने बड़ी दाढ़ी छोड़ी हुई है। वहीं राहुल गांधी की दाढ़ी पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कटाक्ष किया है। दरअसल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के द्वारा बढ़ाई गई दाढ़ी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि दाढ़ी बढ़ाने से कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बन जाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा बनने के लिए तप एवं त्याग की जरूरत होती है, जो कि आरामदायक जीवन जीने वाला व्यक्ति कभी नहीं कर सकता। शुक्रवार को नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिप्पणी की। कार्यक्रम के बाद इस बात को सीएम धामी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी शेयर किया। इतना ही नहीं, पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा एक खोखली यात्रा है। धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी में अनुशासन है, उन्होंने देश और मां भारती की सेवा के लिए त्याग किया है, उनके पास संकल्प है। साथ ही उन्होंने आमजन की सेवा एवं अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के उदय के लिए अपना जीवन पूरी तरह से समर्पित कर दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने भी राहुल गांधी की दाढ़ी पर टिप्पणी की थी। उन्होंने राहुल गांधी की दाढ़ी की तुलना इराक के पूर्व तानाशाह सद्दाम हुसैन से कर दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, संवाद 365।